सिंपल थार का कोई रुतबा नहीं है मार्केट के अंदर। मेहनत बहुत ज्यादा है और फिनिशिंग हम देते हैं 100% आपको आपकी थार के अंदर। इसमें हमने अंडर बॉडी भी लगाई है ओवरलैंड की 3 पीस के अंदर जो आती है रेड कलर के अंदर। इसमें हमने हमर लाइट भी लगाई है सेट ऑफ 5 पीस छत के ऊपर आप देख सकते हो। साथ में इसमें हमने प्रो पैन का हिंज भी लगाया डोर पे। एल्यूमिनियम के अंदर ये बना हुआ है, काफी हैवी है, इस पे आप खड़े भी हो जाओ ये टूटेगा नहीं, कभी भी खराब नहीं होगा, जंग नहीं आएगा इसके अंदर। इसमें हमने 8 स्टाइल वाली जिसको जेड स्टाइल भी बोलते हैं टेल लाइट लगाई है, काफी स्मार्ट टेल लाइट है, गाड़ी की लुक काफी एनहेंस हो जाती है लगाने के बाद में। पीछे हमने रिफ्लेक्टर भी लगाया मैट्रिक स्टाइल वाला। इसमें हमने आर्मरेस्ट लगाया सेट ऑफ 3 पीस आप देख सकते हैं आपके सामने, जिगजैग स्टिचिंग है और प्रॉपरली पूरा कवर किया गया। इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी नो डाउट। हाय दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो है वो महिंद्रा थार के बारे में है। ये 4x4 मॉडल आया है हमारे पास टॉप वेरिएंट और काफी सारा काम होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं थार जब तक तैयार ना हो तो मजा आता नहीं है, सिंपल थार का कोई रुतबा नहीं है मार्केट के अंदर। तो इसलिए इसके अंदर हम लोग हेडलाइट लगाने लगे हैं, इसकी ग्रिल चेंज करेंगे, फॉग लाइट लगाएंगे, प्रोजेक्टर डीआरएल लगा रहे हैं, अंडर बॉडी लगा रहे हैं 3 पीस के अंदर, ग्रैब हैंडल है, हिंजेस है, म्यूजिक सिस्टम है, टेल लाइट और भी बहुत सारा काम होने वाला है। जैसे कि आपको स्टेयरिंग कवर भी लग रहा है इसके अंदर, एसी वेंट लग रहे हैं, एम्यूल लाइट लग रहे हैं। लिस्ट काफी लंबी है, बड़ी है, तो एक एक करके आपको दिखाएंगे इस गाड़ी में हमने क्या क्या काम किया है। लोग हमसे पूछते हैं कि आपका स्टेयरिंग रैप थार के अंदर इतना महंगा क्यों है। महंगा इसलिए क्योंकि इसमें मेहनत है बहुत ज्यादा और फिनिशिंग चाहिए होती है 100% वाली। तो अभी हमने कम से कम आधा घंटा हो गया है, प्रोसीजर स्टार्ट किए हुए और 2 घंटे और लगेंगे इसको लगाने के अंदर, जिसमें पहले प्रॉपरली कटिंग होती है स्टेयरिंग के हिसाब से, फिर स्टिच कराया जाता है, उसके बाद फेविकोल लगाते हैं, फिर जिगजैग स्टिचिंग होती है। मेहनत बहुत ज्यादा है और फिनिशिंग हम देते हैं 100% आपको आपकी थार के अंदर। बाकी हमने गाड़ी को बिल्कुल आगे से खोल दी है, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। हेडलाइट की तैयारी चल रही है, हेडलाइट में रेगुलरली लग रही है। जो भी सामान लगाते हैं हम बढ़िया लगाते हैं, किसी भी थार के अंदर किसी भी गाड़ी के अंदर आप हमारे पास लेके आएंगे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। आपको बताया जाता है कि इस चीज का फायदा ये है, इस चीज का घाटा ये है, कोई बात कुछ किसी छुपाते ही नहीं है। जो वारंटी होती है उसकी वारंटी आपको प्रॉपर मिलेगी हमारे यहाँ। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, थार आपके सामने रेडी खड़ी हुई है। सबसे पहली चीज जो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा वो इसकी हेडलाइट है रेंगुलर स्टाइल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले ब्लू होती है, फिर व्हाइट होती है, इंडिकेटर पे येलो हो जाती है और काफी अच्छी लगती है। मैं आपको इंडिकेटर ऑन करके दिखाता हूँ। यही सबसे अच्छी जो लुक है रेंगुलर की यही वाली है, क्योंकि इसकी लाइट भी काफी अच्छी है और हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं आपको। साथ में हमने डीएल लगाया जिसमें आप देख सकते हैं काफी फर्क आ जाता है लुक में। अगर आप ये डीएल देख सकते हैं और इस गाड़ी का डीएल देखो आप, काफी फर्क है दोनों के लुक में, लुक कितनी चेंज हो जाती है ड्रास्टिकली, प्लस स्मोक कलर का शीशा। तो इसलिए हम आपको कहते हैं ये भी लगाओ अपनी गाड़ी के अंदर। इसमें हमने 7 स्लॉट ग्रिल भी लगाई है रेंगुलर स्टाइल में। जब गाड़ी को रेंगुलर बनाई रहे तो पूरी तरीके से बनाएंगे ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बम्पर पे हमने हाइपरसोनिक का प्रोजेक्टर लगाया है, बाइफोकल इन ट्राई कलर, 3 कलर होते हैं इसमें। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। लाइट चलती है तो हर मौसम के हिसाब से, हर सीजन के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो। एक बार में एक चलेगी, दूसरी बार चलाओगे दूसरा कलर आएगा, तीसरी बार चलाओगे तीसरा कलर आएगा। इसमें हमने अंडर बॉडी भी लगाई है ओवरलैंड की 3 पीस के अंदर जो आती है रेड कलर के अंदर। ये पहला पीस आपको नजर आ रहा होगा सामने से, बाकी पीछे वाले पीस आप देख सकते हो कैमरे में। काफी अच्छी चीज है, गाड़ी को बचाती है, अंडर बॉडी नीचे से बचाती है कहीं भी लगने से, तो रेडिएटर वगैरह भी सेव करती है, काफी एरिया सेव करती है, इसलिए हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं। अब आते हैं साइड में। इसमें हमने हमर लाइट भी लगाई है सेट ऑफ 5 पीस छत के ऊपर आप देख सकते हो। ये प्योरली लुक के लिए होता है इसका और कोई पर्पज नहीं है, आपकी इच्छा आप लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं इसको लगाने के अंदर। साथ में इसमें हमने प्रो पैन का हिंज भी लगाया डोर पे। एल्यूमिनियम के अंदर ये बना हुआ है, काफी हैवी है, इस पे आप खड़े भी हो जाओ ये टूटेगा नहीं, कभी भी खराब नहीं होगा, जंग नहीं आएगा इसके अंदर और ये बेस्ट है, बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट है जो आपको गाड़ी के अंदर मिल सकता है। इसमें हमने 8 स्टाइल वाली जिसको जेड स्टाइल भी बोलते हैं टेल लाइट लगाई है, काफी स्मार्ट टेल लाइट है, स्टार्ट होती है आपने देख लिया क्या गेटअप आती है, उसके बाद इंडिकेटर ऑन है राइट साइड का, तो आप देख सकते हो कैसे ये चल रही है मैट्रिक स्टाइल के अंदर। गाड़ी की लुक काफी एनहेंस हो जाती है लगाने के बाद में। पीछे हमने रिफ्लेक्टर भी लगाया मैट्रिक स्टाइल वाला। तो ये काम था हमारा बार का, चलेंगे अंदर की तरफ। इसमें हमने आर्मरेस्ट लगाया सेट ऑफ 3 पीस आप देख सकते हो आपके सामने, फिट एंड फिनिश बिल्कुल परफेक्ट है। हिंज देख सकते हो आप कितनी अच्छी क्वालिटी की यूज किए गए हैं, और ना कस्टमर को एक ही कंसर्न था सबसे पहले कि भैया आर्मरेस्ट लगाओगे मेरा ग्लास होल्डर नहीं छुपना चाहिए, ग्लास होल्डर सबसे ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं ग्लास होल्डर एज इट इज है दोनों, और आप इसको यूज कर सकते हो क्योंकि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का आर्मरेस्ट है, जगह कम खाता है और आपको प्रॉपरली कंफर्ट लेवल देता है गाड़ी के अंदर। रियर साइड में भी इसमें हमने आर्मरेस्ट लगाया है, वही उसे अच्छी क्वालिटी वाला जो पियानो ब्लैक कलर का, इसमें आप देख सकते हो होल्डर है ग्लास होल्डर, ये चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉकेट है और यहाँ पे आपको हिंज वही क्वालिटी के मिलते जैसे आगे थे। तो ये वाले आर्मरेस्ट सभी स्टॉक में आ गए हैं हमारे पास दोबारा से, पहले खत्म हो गए थे, तो आप लेना चाहते हो तो
आपको मिल जाएंगे। इसमें हमने 9 पीस वाली एमएस लाइट लगाई है कार्डी के4 की, स्पेशली मेड फॉर थार। आप डोर की तरफ देख सकते हो, इसमें प्रॉपरली जो थार वाला एरिया जहाँ पे थार लिखा होता है उसके अंदर भी एलईडी लग चुकी हुई है और एलईडी चल रही है, अच्छी लग रही है। साथ में स्ट्रिप्स लगी हुई है इसमें दो दरवाजों के अंदर, एक डैशबोर्ड पे, दो पैरों पे आगे, दो पैरों पे पीछे, तो टोटली 9 पीस हो जाते हैं। साथ में हमने कार्डी के इसमें एएमजी स्टाइल एसी वेंट भी लगाए हैं सेट ऑफ 4 पीस। ये भी आपका ऐप से चेंज हो जाते हैं कलर वगैरह, आप ऑन करना चाहो ऑन कर लो, ऑफ करना चाहो ऑफ कर लो। सीट कवर कस्टमर के पहले से लगे हुए थे, हमने नहीं लगाए हैं। अपने स्टीयरिंग कवर स्टिच किया इसके अंदर कोई स्टाइल के अंदर, जिगजैग स्टिचिंग है और प्रॉपरली पूरा कवर किया गया। मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि इससे अच्छा स्टेयरिंग कवर मार्केट में आपको कोई भी नहीं लगा के देगा। ये बेस्ट स्टेयरिंग कवर जो मार्केट में अवेलेबल है जो हम स्टिच कर सकते हैं। इसमें हमने एक प्रोमैन का प्रोडक्ट और लगाया, ये ग्रैब हैंडल। आज आपको लटक के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कई बार आपको दिखा चुका हूँ। इसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी नो डाउट, इससे अच्छा ग्रैब हैंडल आपको मार्केट में नहीं मिल सकता, क्योंकि बाकी ग्रैब हैंडल में या तो आप बॉडी पे ड्रिल करते हो या प्लास्टिक पे ड्रिल करते हो। तो ये आपको ग्रैब हैंडल मैं आपको जेन्युइनली रिकमेंड करता हूँ, अपनी गाड़ी में लगा लो। प्लस जैसे कि आप जानते हो ड्राइवर साइड पे ग्रैब हैंडल नहीं होता है, तो प्रोमैन का ग्रैब हैंडल से लगाने से आपको ड्राइवर साइड पे भी ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जिसको आप एमरजेंसी पे पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो, अपनी ग्रिप बना सकते हो। लास्ट चीज जो मैं इस गाड़ी में आपको दिखाना चाहूंगा वो इसका डेड पेडल है। डेड पेडल बहुत नेसेसिटी की चीज है थार के अंदर और नहीं लग के आती, स्पेशली ऑटोमेटिक कार्स में, क्योंकि आपका लेफ्ट पैर आइडल होता है, आपको रखने की जगह चाहिए होती है, इसलिए हमने इसमें डेड पेडल भी ऐड कर दिया है। पर हाँ, डेड पेडल लगने के बाद में मैट निकालने डालने में दिक्कत रहेगी आपको, वो आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरी थार की तरफ जिसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका फ्रंट एरिया आपको दिखाएंगे। इस गाड़ी में हमने जो हेडलाइट लगाई है वो ड्रैगन स्टाइल वाली लगाई है, आपने देख लिया कैसे मैट्रिक स्टाइल ऑन हो रही है। ब्लू चलती है पहले, फिर ये व्हाइट हो जाती है और इंडिकेटर पे येलो हो जाएगी। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है बीच में, उसकी लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ब्राइट है, दूर तक जाती है, काफ़ी अच्छी हेडलाइट है। ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, जो आप लोग माइनस मांगते हो या रिंग वाली मांगते हो उससे 10 गुना अच्छी है वाली हेडलाइट। इसका जो ग्लास की क्वालिटी है, इसकी जो बॉडी क्वालिटी है बैक साइड की, बहुत जबरदस्त है। साथ में इसमें हमने बम्पर भी लगाया है बुलहॉर्न का ABS वाला, फुल प्लास्टिक के अंदर, जिसका डिजाइन बहुत अच्छा है, बहुत ही इन है इस टाइम थार के अंदर। फिटिंग एंड फिनिशिंग बहुत परफेक्ट है, हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं आपको थार के अंदर। आप देख सकते हो क्या लुक आ रही है। साथ में अंडर बॉडी भी लगाया सिंगल पीस में हमने रेड कलर के अंदर। बाकी काम जितना भी इस गाड़ी में हमने किया वो सिमिलर है पहले वाली थार से, इसलिए आपको दिखाने का फायदा नहीं है। और जल्दी मिलेंगे आपको न्यू वीडियो के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।